Hello students, once again welcome to my YouTube channel. Now I am going to discuss another problem of area, which is the area of a triangle. We have to find the area of a triangle if the three sides of a triangle are given. But before that, I want to tell you that we have also find out the area of a triangle by using Cramer's rule. Cramer's rule in determinant. But here we have to find the area of a triangle by using the method of integrations. So in area, especially in area, you have to say find the area of a triangle by using integration. So this is the method which we already discussed in board. You can see, first of all, you see the question. Find the area of the region bounded by the lines. Three lines are provided. One is 3x minus 2y plus 1 is equal to 0. Other is 2x plus 3y minus 21 is equal to 0. And the third one is x minus 5y plus 9 is equal to 0. ठीक है, तीन लाइन प्रोवाइड किया हुआ है और आपको कह रहा है कि उस तीनों लाइन से जो भी बाउंडेड रीजन होगा, तो 100% है बाउंडेड रीजन ट्रायंगल ही बनेगा. तो उस ट्रायंगल का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ या विद बाय यूजिंग इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले करते क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम में वो फिगर, वो रीजन इंपॉर्टेंट रखता है जिसका आप लोग एरिया निकालने जा रहे हैं. मतलब जब तक वो रीजन नहीं पता चलेगा तब तक उसका एरिया नहीं निकाल सकते. तो बेसिकली हमको यहाँ क्या करना है कि वो रीजन फाइंड आउट करना है जिसका हमको एरिया निकालना है. तो इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले जो भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, आप देख सकते हो ये सब जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है. और किसी भी स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में. या तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं या तो वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. अगर कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व होता है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में अगर सी आपका नॉन जीरो है, तो हम लोग हमेशा उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ही चेंज करते हैं, जो कि मैंने यहाँ किया है. ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो जो जनरल फॉर्म में है, इसको मैंने लिखा है एक्स अपॉन माइनस वन बाई थ्री प्लस वाई अपॉन हाफ इज इक्वल टू वन. ये जो फॉर्म है आपका एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, दिस इज द फॉर्म इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म. उसी तरह से मैंने सारे स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में सजा दिया ताकि मैं इसके हेल्प से ट्रेस कर सकूं इन तीनों स्ट्रेट लाइन को. ठीक है, तो जब हम ये तीनों स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज कर लिए, तो ट्रेस करना उस स्ट्रेट लाइन को बहुत आसान हो जाता है. तो ये लाइन जो है माइनस वन बाई थ्री से पास करेगा और वाई को कट करेगा हाफ. ठीक है, देख सकते हैं ये माइनस वन बाई थ्री और ये हाफ, इस तरह से मैंने खींचा ये स्ट्रेट लाइन, ये वन नंबर इंडिकेट कर दिया. उसी तरह से जो दूसरा वाला लाइन है वो आपका 10.5 को x 10.5 को कट करेगा और y 7 को कट करेगा. सपोज दैट यहाँ 10.5 है और यहाँ y 7 है, तो ये आपका सेकंड नंबर लाइन. ठीक है, उसी तरह से तीसरा लाइन जो है माइनस 9 को कट करेगा x एक्सिस पर और y एक्सिस को 9/5 मतलब समथिंग पॉइंट क्या कहते हैं लगभग 2 के करीब कट करेगा. तो ये जो है देख रहे हैं ये तीसरा वाला लाइन. जब इन तीनों लाइन को ट्रेस करते हैं तो आपको एक देखिए एक ट्रायंगुलर टाइप का बाउंडेड जोन मिलता है. तो यही वो रीजन है जिसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है. क्लियर, तो यहाँ तक हम लोग क्या डिसाइड कर लिए कि वो कौन सा ट्रायंगल है जिसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है. क्योंकि ये क्योंकि इसका जो एरिया है वो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. मतलब सीधा सीधी बात है कि हमको इंटीग्रेशन करना है और वो इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है. और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपको लिमिट लेना है. तो लिमिट लेना है तो सवाल ये है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे. मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब अपर कर्व और लोअर कर्व में से कोई भी एक अगर चेंज कर जाए तो वहाँ इंटीग्रल चेंज कर जाता है. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों के लिए ये लोअर कर्व तो सेम है बट अपर कर्व चेंज कर दिया. ए से बी तक ये वाला स्ट्रेट लाइन और बी से सी तक ये जो दो नंबर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब आपको ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, बी का कोऑर्डिनेट चाहिए, सी का कोऑर्डिनेट चाहिए. जब तक ये तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक ये आप इस पॉइंट पर जो बाउंड्री लाइन है वो आपको पता नहीं चलेगा.
जब बाउंड्री लाइन पता नहीं चलेगा तब तक आप डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। जब तक आप डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कीजिएगा तब तक आपको एरिया पता नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम क्या किया हमने कि जो भी तीनों स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था उसको मैंने इंटरसेक्ट फॉर्म में सजा दिया। इंटरसेक्ट फॉर्म में सजाने का मकसद था कि हमको वो तीनों लाइन ट्रेस करना है कोऑर्डिनेट प्लेन में। जैसे ही मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन में तीनों लाइन को ट्रेस किया तो आपको एक रीजन दिख रहा होगा, ट्रायंगुलर रीजन, और इसी ट्रायंगुलर रीजन का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। फिर वही, जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो इंटीग्रेशन बनाते हैं, और इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है मतलब हमको बाउंड्री तो चाहिए ही चाहिए ताकि हमको लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। तो बाउंड्री के लिए आपको ए बी और सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको दो दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके वो तीनों जो वर्टिसेस है ट्रायंगल का वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो सब तो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं कि दो स्ट्रेट लाइन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ मैं जो है आपका ए बी और सी के कोऑर्डिनेट के लिए दो दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू निकाला है। आप इसको देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा कैमरा को इधर फेस कर देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि अगर हमको ए पॉइंट को निकालना है तो हमको एक नंबर और तीन नंबर जो स्ट्रेट लाइन है उसको सॉल्व करना है। जब हम एक और तीन नंबर को सॉल्व किए हैं तो वाई का वैल्यू 2 और एक्स का वैल्यू 1, बेसिकली हमको एक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स का वैल्यू 1 आ गया। उसी तरह से बी के लिए अगर हमको सॉल्व करना है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमको दो नंबर और एक नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ सॉल्व किए हैं एक नंबर और दो नंबर, और जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ वो एलिमिनेशन मेथड है। वो आप अच्छे तरह से जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, वाई को एलिमिनेट करके एक्स का वैल्यू निकाल लिया और एक्स का वैल्यू 3 आ गया। इन द सिमिलर वे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू 6। ओके, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 6। तो यहाँ आपका एक्स का वैल्यू, इस तरह से हम एक्स का वैल्यू ए बी और सी का जो तीनों का कोऑर्डिनेट है वो आपका फाइंड आउट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। इतना तक तो हम कर ही सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ये नीचे आप देख सकते हो, ठीक है, एक्स का वैल्यू 6 आया आपका। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हमने देख चुका है कि दो इंटीग्रल में एरिया आपका निकलेगा, तो एक हो जाएगा 1 से लेकर के 3, अपर कर माइनस लोअर कर, अपर वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसमें से लोअर वाला स्ट्रेट लाइन घटा दिए, ठीक है, फिर प्लस, फिर दूसरा पार्ट है 3 2 6, फिर अपर वाला स्ट्रेट लाइन में लोअर वाला स्ट्रेट लाइन घटा दिए। दोनों ही केस में लोअर स्ट्रेट लाइन सेम था, इसलिए देखिए ये दोनों पार्ट सेम दिख रहा होगा। उसके बाद क्या है, ये क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का केस है तो पहले डेफिनेट के थ्रू से डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल लीजिए और फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सेम टू सेम यहाँ भी हो गया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करके यहाँ पे फिर क्या किए, लिमिट डाल दी। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लीजिएगा तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो 13/2 स्क्वायर रूट आएगा। मतलब इस तरह से आप इंटीग्रेशन का यूज करते हुए किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जब उस ट्रायंगल का तीनों साइड का इक्वेशन दिया हुआ हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब तीनों साइड का इक्वेशन ना देकर के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, ठीक है। तो एक हम एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें किसी एक ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है और तब आपसे पूछ रहा है कि उसका एरिया कैसे निकलेगा यूजिंग इंटीग्रेशन। डायरेक्ट नहीं बनाना है, क्रेमर रूल नहीं लगाना है, जो आप डिटरमिनेंट में पढ़ा है वो नहीं यूज करना है। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इंटीग्रेशन का यूज करते हुए उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है इन प्लेस ऑफ दी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था, बट जो अगला क्वेश्चन हम लोग डील करने जा रहे हैं उसमें क्या हुआ कि तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, सॉरी क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग इंटीग्रेशन हैविंग वर्टिसेस 1,0, 2,2 एंड 3,1। मतलब एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है
लेकिन इस केस में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है। मैंने भी पहले भी कहा था कि एक ऐसे भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम करते हैं इसमें हम लोग फिगर ही ट्रेस कर लेते हैं। तो तीनों कोऑर्डिनेट को जो है हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट आउट करते हैं। 1.0 को पता है इस एक्सिस में होगा, 2.2 फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पर होगा और 3.1 यहां दिख रहा है। तीनों पॉइंट को जैसे ही आप मिलाओगे तो आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है और हमें इसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है बट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। मींस हमको ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। जस्ट लास्ट क्वेश्चन का उल्टा हो सकेगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट वाले प्रॉब्लम में कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्रोवाइड था सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। इस बार आपका क्या है, ऑलरेडी वर्टिसेस दिया हुआ है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है बट स्ट्रेट लाइन नहीं पता है। तो विद द हेल्प ऑफ टू पॉइंट वी कैन फाइंड आउट द, वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इफ द पॉइंट इज x1, y1 एंड अनदर पॉइंट इज x2, y2 देन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज y-y1 इज इक्वल टू y2-y1 अपॉन x2-x1 इंटू x-x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग द टू पॉइंट्स व्हिच इज गिवन ऑन द स्ट्रेट लाइन व्हिच वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो यूजिंग दिस फार्मूला हियर वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन AB, BC एंड CA। ठीक है, तो क्या किया हम लोग उसी फार्मूला को यूज करते हुए यहां हमने AB का भी इक्वेशन निकाला, BC का भी निकाला और CA का भी। फार्मूला वही है आपका, y-y1 is equal to y2-y1 divided by x2-x1 into x-x1। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम लोग को रिक्वायर्ड एरिया, मतलब हमको इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो हमने जस्ट देखा कि 1 से लेकर के 2 तक ये स्ट्रेट लाइन अपर स्ट्रेट लाइन है और फिर 2 से लेकर के 3 तक अपर स्ट्रेट लाइन जो है बदल गया। इसका मतलब इंटीग्रेशन आपका दो पार्ट में टूट जाएगा जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है आपका दो पार्ट में टूट गया। एक आपका इंटीग्रेशन 1 से 2 होगा, उस केस में अपर कर्व में AB स्ट्रेट लाइन है, AB स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए यहां पे 2 x-1 माइनस लोअर स्ट्रेट लाइन में आपका कौन है AC, तो AC का इक्वेशन हाफ ऑफ x-1 अपर में से लोअर यहां सेपरेट कर दिए। फिर प्लस, फिर 2 से लेकर के 3 तक इंटीग्रेट करना है, उस केस में अपर स्ट्रेट लाइन आपका BC है। BC जो है आपको फाइंड आउट कर चुके हैं, y इज इक्वल टू -x+4 है जो कि यहां पे आपको दिख रहा है -x+4। और माइनस लोअर स्ट्रेट लाइन, लोअर स्ट्रेट लाइन कौन है आपका AC है, AC का इक्वेशन हाफ ऑफ x-1। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो डाटा अंदर है इंटीग्राम, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके एक सिंपल टर्म में लिख दिया। फिर इधर भी जो है इसको मैंने सिंप्लीफाई करके एक सिंपल इस तरह से लिख दिया और फिर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करते हुए हमने क्या किया, मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन यूज किया और फिर बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाता है। और आंसर फाइनली जो आता है वो आता है आपका 3/2 square। मैंने इसको क्या किया, चेकआउट करके भी देखा। ठीक है, क्रेमर्स रूल या फिर वो जो क्या बोलते हैं स्टेयर मेथड के हेल्प से इसका मैंने एरिया निकाला तो एरिया जो है आपका मैच आ गया। मतलब आप चाहें तो आप ये चेकआउट भी कर सकते हैं कि आपने जो एरिया फाइंड आउट किया वो क्या वो गलत है या सही है। हो सकता है कि आपने कहीं मिस्टेक कर दिया, कहीं आप प्लस करेगा माइनस ले लिए, तो ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं मिस्टेक होने के। तो एक बार क्या किए, एश्योर्ड होने के लिए आप जो है जो प्रीवियस मेथड जो आप जानते हैं एरिया ट्रायंगल का उसको आप यूज करके उसको, उनको लगता है कि एक मिनट भी ना लगेगा आपको चेकआउट करने के, तो आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं कि मेरा जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं। तो मैंने चेक करके देखा और आंसर आपका 3/2 square unit ही आया। इसका मतलब आंसर मेरा 100% सही है क्योंकि इस कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक नहीं है और मेथड वाइज तो मिस्टेक है ही नहीं आता। तो इस तरह से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन रहता है, कभी कभी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा और तब कहेगा एरिया निकालिए यूजिंग इंटीग्रेशन, या कभी कभी ऐसा रहेगा कि तीनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और तब आपसे पूछेगा कि एरिया बताइए। तो किसी भी तरह से रहे आपको मैंने दोनों ही मेथड बता दिया, जो भी रहेगा आप उसको यूज कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग उसके बाद। अभी आपका जो एरिया बाउंड्री बाय कर्व है इसमें थ्योरी तो बहुत कमी है लेकिन प्रॉब्लम्स आपको एक से एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहा हूँ,
एक से एक प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है, वैरायटी वैरायटी वाला प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको देखिए, फील कीजिए और ये जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छा बनाइए।